नेता राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि केंद्र और असम की भाजपा सरकारों की नीतियों के चलते यह राज्य हिंसा के पथ पर लौट सकता है। राहुल गांधी ने यहां जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में शांति लाने वाली असम संधि को बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने संशोधित नागरिकता कानून का हवाला देते हुए कहा कि मुझे डर है कि असम भाजपा की नीतियों के चलते नहीं हिंसा के रास्ते पर लौट ना जाए। उन्होंने कहा कि भाजपा और आरएसएस को असम एवं पूर्वोत्तर की संस्कृति, भाषा और पहचान पर हमला नहीं करने दिया जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि असम कभी भी घृणा एवं हिंसा के साथ प्रगति नहीं कर सकता है। सभी को साथ आना होगा और भाजपा नेताओं को बतलाना होगा कि वे राज्य की संस्कृति, पहचान और इतिहास पर हमला नहीं कर सकते। राहुल गांधी ने गुवाहाटी रैली में कहा कि असम और पूर्वोत्तर की संस्कृति, भाषा पर और पहचान पर भाजपा और आरएसएस को हमले की अनुमति नहीं दी जाएगी। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी की सरकार युवाओं, नेताओं, बहनों और माताओं की बातों को नहीं सुनना चाहिए। राहुल ने सीसीए पर कहा कि यह नोटबंदी दो है। उन्होंने कहा कि असम नफरत और गुस्से से आगे नहीं बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि असम अकॉर्ड के जरिए असम में शांति आई है। कहा कि असम अकॉर्ड को स्पिरिट को खत्म नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूं असम की ओर देखिए, अलग अलग विचारधाराएं, पहले हिंसा हुआ करती थी, पूरा प्रदेश एक हुआ, अहिंसा के पथ पे चला, शांति आई, तेजी से प्रगति आई। और आज मैंने यहां श्रद्धांजलि दी, असम के बेटों के लिए। और मुझे दुख हो रहा है, डर लग रहा है कि एक बार फिर ये प्रदेश बीजेपी के कारण हिंसा के रास्ते पे आस्ते आस्ते फिर से लौट रहा है। मैं यहां आपसे राजनीतिक भाषण करने नहीं आया हूं, मैं यहां आपको बताने आया हूं, खुशी में दुख में मैं आपके साथ खड़ा हूं। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं, अजीब सा लग रहा है, आपने मुझे बताया, आपने मुझे सिखाया, अजीब सा लग रहा है कि स्टेज से मैं कहूं, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी शक्ति, आपकी एकता है, आपकी शक्ति आपके बीच में भाईचारा है, आपकी शक्ति आपके बीच में प्यार है। आप ये मत सोचो कि नफरत से, क्रोध से, गुस्से से असम आगे बढ़ेगा, हो ही नहीं सकता। आप सबको एक होना पड़ेगा और बीजेपी के नेताओं को बताना पड़ेगा कि आप हमारे संस्कृति, हमारे कल्चर, हमारी हिस्ट्री पर आक्रमण नहीं कर सकते हो। हम सब एक हैं और हम सब एक साथ काम करेंगे। दो तीन चीजें बिल्कुल साफ हैं, असम में शांति आई, असम अकॉर्ड शांति की नींव थी, इस बात को आप मानते हैं? तो असम अकॉर्ड के स्पिरिट को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि असम अकॉर्ड ने असम को शांति दी और असम अकॉर्ड सबने मिलकर एक साथ तैयार किया था। पूरे देश में
जहां भी बीजेपी जाती है नफरत फैलाती है। असम में युवा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बाकी प्रदेशों में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गोली मारने की क्या जरूरत, जान लेने की क्या जरूरत। मगर नहीं, जो जनता की आवाज है, युवाओं की आवाज है, माताओं बहनों की आवाज है, उसको बीजेपी के लोग सुनना नहीं चाहते। आपकी आवाज से डरते हैं, उसको वो कुचलना चाहते हैं, युवाओं को मारना चाहते हैं। गलत तरीका है। अगर जनता के दिल में कुछ है और वो शांति से उस बात को कह रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, उनको मारने की, पीटने की, गोली मारने की कोई जरूरत नहीं। प्यार से काम किया जा सकता है, प्यार से आवाज सुनी जा सकती है। और इस सब हिंसा का कारण क्या है, मेन कारण क्या है? जो पहले हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था 9% पे चलती थी, जहां पहले युवाओं को रोजगार मिलता था, जहां पहले देश के बारे में ओबामा कहते थे, अमेरिका के राष्ट्रपति कहते थे, हमारा तो मुकाबला अब सिर्फ हिंदुस्तान और चाइना कर सकते हैं, आज बीजेपी के लोगों ने उसी अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया, तबाह कर दिया। मजाक उड़ता है। पैंतालीस साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज है। असम के युवाओं को रोजगार नहीं मिलता, मगर ना आपके चीफ मिनिस्टर ना प्रधानमंत्री रोजगार के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ कहते हैं। हिंदुस्तान की शक्ति है, पूरी दुनिया ने इस बात को माना कि हिंदुस्तान की शक्ति उसकी अर्थव्यवस्था है। नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी करके, जीएसटी लागू करके भारत माता की शक्ति को नष्ट कर दिया, भारत माता पे चोट मारी। मगर इसके बारे में नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कहेंगे। उनका काम सिर्फ हिंदुस्तान के लोगों को बांटने का है, नफरत फैलाने का है। प्रधानमंत्री जी, आप समझाइए, मेक इन इंडिया का क्या हुआ? आप बताइए, असम में कितनी फैक्ट्रियां लगी, कितने युवाओं को रोजगार मिला? आपने कहा था 2 करोड़ युवाओं को मैं रोजगार दूंगा, कितनों को दिया? पूरा हिंदुस्तान जानता है। और आज हमारे युवा भटकते हैं, दिन भर रोजगार ढूंढते हैं। कहा था काले धन के खिलाफ लड़ाई है, नोटबंदी करनी है, पूरा का पूरा पैसा लेकर आपसे, आपको बैंक में खड़ा किया था, बैंक के सामने खड़ा किया था, धूप में बारिश में आप खड़े थे, आपके जेब में से पैसा निकाला, 3,50,000 करोड़ रुपए उन्होंने अपने उद्योगपति मित्रों को दिया है, 3,50,000 करोड़ रुपए। कुछ ही दिन पहले 1,40,000 करोड़ रुपए टैक्स माफ किया। मैं पूछता हूं कि किसानों को आपने कितना कर्जा माफ किया? मैं पूछता हूं आपने छोटे दुकानदारों का कितना कर्जा माफ किया? असम की जनता को समझना होगा, लक्ष्य है कि असम की जनता को लड़ाओ, हिंदुस्तान की जनता को लड़ाओ, और फिर पूरा का पूरा पैसा, पूरा का पूरा धन उन्हीं 15-20 उद्योगपतियों के हवाले कर दो।
यह है नरेंद्र मोदी का काम। मगर असम अपनी संस्कृति को, अपनी हिस्ट्री को बहुत अच्छी तरह समझता है। असम की जनता जानते हैं कि एक साथ मिलकर प्यार से, भाईचारे से प्रदेश आगे जा सकता है। मैं आपको यहां बता रहा हूं और सीधी बात कर रहा हूं, हम बीजेपी को, आरएसएस को असम की हिस्ट्री, भाषा, संस्कृति पर आक्रमण नहीं करने देंगे। असम को नागपुर नहीं चलाएगा, असम को आरएसएस के चड्डी वाले नहीं चलाएंगे, असम को असम की जनता चलाएगी। यहां से हो ही नहीं सकता ये सोचे कि नॉर्थ ईस्ट की जो हिस्ट्री है, सिर्फ असम नहीं पूरी नॉर्थ ईस्ट, ये सोचे कि नॉर्थ ईस्ट की हिस्ट्री है, भाषाएं हैं, कल्चर है, कि दो मिनट में हम इसको दबा दें, कुचल दें। इन्होंने आपको नहीं पहचाना, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को नहीं पहचाना। हमने पार्लियामेंट में साफ कह दिया था कि CAA के सामने हम खड़े हैं, इसको हम पास नहीं होने देंगे। हम नॉर्थ ईस्ट और असम की जनता पर आक्रमण नहीं होने देंगे। और जो भी हो, मैं कहना चाहता हूं, जो भी हो, हिंदुस्तान के किसी भी सिटीजन को नुकसान नहीं होना चाहिए। जो भी हिंदुस्तानी है, इस धरती का है। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।